नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के गुरु जी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। थिंग शब्द बहुत विस्तृत है, इनमें सभी चीजों का समावेश हो जाता है। आइए जो थिंग्स हैं इनके बारे में समझते हैं। जैसे थिंग्स में आ जाता है आपका बहुत सारी चीजें, जैसे बुक्स, बैग, कॉपी, पेन, नोटबुक, पेंसिल, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब नाउन के पांच प्रकार होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ये पांच प्रकार। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होता है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और एक एक के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम को रिफर करता है, जैसे राम, अलवर, ताजमहल। कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन, थिंग्स और प्लेस ऑफ द सेम काइंड और क्लास ना, जैसे कि किंग की बात करता है, गर्ल्स की बात करता है। ये पूरे सबके लिए एक होता है, सिटी, हर सिटी के लिए एक होता है। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, एज यूनिट, जो यूनिट को बताता है, जैसे एज अ टीम, कमेटी, आर्मी। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, जो अगर हम प्लूरल में करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। चौथा है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ, जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे लिक्विड पानी है, आप पानी को गिन नहीं सकते हो। जैसे गैस है, गैस को गिन नहीं सकते हो। इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्य सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे कि किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में बताएगा, स्टेट के बारे में। हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है। हार्टेड ना, तो ये सब। पॉवर्टी, यंग, आर्ट एंड साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल किए जाते हैं। मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका आपको कैसे लगा, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।